हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सब सही होंगे। तो बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस, आपके लिए लाए एक और नया ब्लॉग। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दीदी लोग आ रहे हैं करके। तो कल दादा भी आ रहा था, तो करीबन रात के 12-12:30 बजे समथिंग मेरे को पहुंचे थे रात को। तो उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं कंटिन्यू किया था। तो अभी आप लोग वैसे दादा को पहले मिल चुके हो, जो पहले मैं जब खंडिया से मैंने ब्लॉग डाला था उस टाइम आप लोग मिल चुके हो दादा से। तो गाय देख सकते हैं, एक बार आप मिलाते हैं आपको दादा से। तो गाय देख सकते हैं, कुछ कहोगे? लाइक करो भैया, सब्सक्राइब करो, दबा के। तो गाय देख सकते हैं, तो दादा कल रात पहुंचे थे, काफी लेट पहुंचे थे लोग, तो काफी थक गए थे दादा लोग। तो उस टाइम हम सो गए थे दादा लोग, तो उस टाइम ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। सुबह भी ऐसी था, सुबह का टाइम भी ऐसा था, काफी बिजी थे हम लोग आज रणवीर से। तो जो अभी हमने सोचा कि आज फैमिली पूरी आ रही है, तो दीदी भी आ रही है, तो हमने सोचा कि आज चलते हैं कहीं एक फैमिली ट्रिप पे छोड़ा थे। तो हमने सोचा कि चंडा की तरफ चलते हैं आज। तो चंडा को जो अभी जो ग्रीन आइलैंड खुला है, ग्रीन आइलैंड, तो वहां चलते हैं। तो आप लोग को वहां भी दिखाते हैं कैसा है ग्रीन आइलैंड। तो अभी दीदी से ही मिलाऊंगा आप लोग को। तो दीदी अभी नीचे गई है, तो अभी आएंगे तो उनसे ही मिलाऊंगा आपको। और जो हमारा भतीजा भी खेल रहा है गाइस, देख सकते हैं आप, ये रणवीर अभी दिखाता हूँ। तो गाइस मिलते हैं आगे आप लोग को। अभी दीदी आती है, दीदी से मिलाते हैं, और जो मेरे भांजा भांजी है वो भी आ रखे, तो अभी आप लोग उनसे मिलाते हैं। तो गाइस आगे बने रहिए ब्लॉग में साथ साथ। तो गाइस आप लोग को मैंने बताया था कि दीदी लोग भी आए घर में, तो करीबन 4-5 साल हो गए थे। तो उसके बाद दीदी से मिले थे गाइस, तो दीदी आज भी थी कल रात को, करीबन काफी लेट पहुंचे थे लोग, 12-12 बजे दे सकते हैं दीदी मेरी। ये है मेरी दीदी। तो गाइस अब दीदी बोलेंगे आप लोग कुछ, तो दीदी आप लोग को बताइए कुछ, तो बोलो कुछ। आज काफी टाइम बाद 5 साल बाद मिली थी दीदी, कुछ बोलो। लाइक करिए, काफी शर्मा दे लोग। और जो पीछे बैठी है तन्नू है, मेरी बड़ी वाली भांजी। तन्नू आए करो, नमस्कार। और ये तो अनु है, जानते हैं आप लोग अनु को। अनु अनु कह रहा है कि ब्लॉगिंग मैं करता हूँ, कह रहे हैं अनु। तो मैं इसको ब्लॉग करने नहीं जाना, काफी नाराज हुई है। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में साथ साथ, आगे मिलता हूँ आप लोग को। मैं चंडाक की तरफ निकलते हैं, तो मिलते हैं आप लोग को चंडाक की तरफ। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में साथ साथ, तो मिलते हैं आपको आगे हम लोग। तो गाइस घर से निकल चुके थे, तो अभी मैं तो बाइक पे था, बड़े भाई लोग कार पे थे, तो वो लोग थोड़े पीछे हैं, तो वो लोग आते तो साथ में निकलते हैं। तब तो आप लोग को हम यहाँ का पिथौरागढ़ का व्यू दिखाते हैं गाइस, क्या व्यू है। और साथ में इंडियन फ्लैग, अपना फ्लैग। तो गाइस देख सकते हैं माई अभी भी साथ में, आज कई दिनों बाद राइड करेंगे अभी। हेलो, क्या देखो, तो आज अभी भी राइड करेंगे कई दिनों बाद अपने साथ। तो काफ़ी दिन हो गए थे, जब से हम हल्द्वानी से भी आए थे, तो हल्द्वानी से आए थे तो हमने राइड नहीं करी उसके बाद। तो आज कर रहे हैं साइड पर राइड, तो आप लोगों को दिखा दे पिथौरागढ़ का व्यू। और गाइस उसके बाद निकलते हैं गाइस यहाँ से। तो गाइस पहले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को नाइट भी दिखाया था पिथौरागढ़ का, तो आप अभी डे भी देखिए, मॉर्निंग अभी दिन के टाइम कैसा दिखता है शाम के टाइम गाइस पिथौरागढ़। तो देख सकते हैं गाइस UP 05। तो ये भी एक तरफ का हिस्सा है, आप अभी पिथौरागढ़ देखे तो ये पिथौरागढ़ का एक हिस्सा है अभी। तो गाइस देख सकते हैं अल्टीमेट व्यू यार। और देखिए तो इंडियन फ्लैग, अपना फ्लैग साथ में यार गाइस। तो गाइस जैसे दादा लोग आएंगे उसका निकलेंगे, तो देख सकते हैं क्या लग रहा है यार ऊपर यार। तो देख सकते हैं गाइस, तो निकलते हैं आगे, तो ब्लॉग को साथ में रहिए। तो आगे निकलते हैं गाइस, तो आगे मिलते हैं आप लोगों को। तो लोग जैसे आएंगे, बड़े भाई लोग जैसे आएंगे, वैसे निकलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आगे आप लोग राइड पे। तो गाइस बड़े भाई लोग की भी एंट्री हो चुकी है, दादा लोग भी पहुँच चुके हैं हम। तो आप लोग को दिखाऊँ तो आज मोहम्मद जा रहे हैं, देखिए गाइस आज दीदी जा रही है, दादा है, हेलो, और भाभी हमारी रणवीर भी आज। तो गाइस देख सकते हैं रणवीर भी गाइस। तो चलते हैं आगे, तो आगे आगे मैं चलूँगा, तो उसके बाद पीछे भी तो दादा आएंगे, तो काफ़ी लेट कर दें लोगों ने। तो चलते हैं आगे आगे, तो आगे मिलते हैं आप लोगों गाइस। तो ब्लॉग पे साथ रहिए गाइस, तो आगे आगे मिलते हैं आप लोगों को, आज दिखाते हैं कैसा है यहाँ पर तकीर आइलैंड। तो गाइस आप लोग को आगे मिलते हैं। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आगे आप लोगों को राइड पर। तो चलिए गाइस चलते हैं आज तकीर आइलैंड। तो देख सकते हैं आप लोग अल्टीमेट है यहाँ का, देख सकते हैं। तो गाइस जस्ट मेघना के यहाँ पहुँच चुके थे अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर द कैफे ऑन द रॉक मेघना। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, काफ़ी अल्टीमेट व्यू दिखता है गाइस पिथौरागढ़ का, देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी अल्टीमेट यार, जो अब मैं आपको इससे पहले जो सीन दिखाया था गाइस, वो एक तरफ का था,
और आप एक तरफ देखें तो गाइस इतना पूरा थोड़ा लगाइए गाइस, तो एक ही से फुटेज नहीं आ पाती गाइस। हाँ अगर आप ड्रोन से लोगे तो ड्रोन से उड़ा सकते हैं यहाँ से गाइस, तो देख सकते हैं गाइस UQ05CD। तो गाइस बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा पिथौरागढ़। तो गाइस मिलता हूँ आप लोगों को आगे। तो गाइस अभी पहुंच चुके थे मोस्ट वैल्यू टेम्पल, देख सकते हो आप, अभी काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पर भी। तो जब मेला लगेगा उस टाइम आपको ये मंदिर जो टेम्पल है उस टाइम आपको एक्सपोज कराएंगे। तो गाइस अभी देख रही है बाहर से दिखाता हूँ, तो उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम अभी यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते गाइस, थोड़ा हमें जल्दी जाना है। तो उसके बाद टाइम देख सकते अभी करीब 4 बज गया अराउंड, तो जल्दी निकलना है अब यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं मोस्ट वैल्यू टेम्पल काफ़ी अच्छा, काफ़ी डेकोरेट किया है इसको यार, काफ़ी तगड़ा बना रखा है वैसे ना कहीं। तो गाइज यहाँ से भी दो रोडे कटती हैं देख सकते हैं आप, अभी एक लेफ्ट एक राइट, तो हमने यहाँ से राइट निकलना है गाइज। तो ब्लॉग बने रहिए साथ में, आगे मिलते हैं आप लोग को। तो दादा लोग भी पहुँच चुके हैं, जस्ट दादा भी अभी पहुँचा ही है। तो गाइज निकलते हैं आगे को, तो ब्लॉग बने रहिए साथ में, तो आगे मिलते हैं आप लोग को हम। तो गाइज मिलते हैं आगे। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग यहाँ से भी दो रोडे कट रही होंगी, देख सकते हैं नीचे को एक लेफ्ट एक राइट, तो यहाँ से भी हमने जो है राइट भी निकलना है। तो जस्ट यहाँ से अराउंड करीबन 2 या 3 किलोमीटर है समथिंग शायद, क्योंकि मैं भी यहाँ अभी तक आया नहीं हूँ, तो मैं फर्स्ट बार आ रहा हूँ, तो मेरे को गाइस उससे पता नहीं है। क्योंकि अराउंड जो मैं वीडियो देख रहा था वीडियो के हिसाब से जो लोग बाहर कह रहे थे लगभग अराउंड यहाँ से 10-12 करीबन मार्केट से 12-15 किलोमीटर समथिंग, 12-15 किलोमीटर समथिंग कह रहे थे, तो यहाँ से कह रहे थे 2-3 किलोमीटर समथिंग। तो गाइस निकलते हैं आगे को, तो दोनों लोग आ रहे थे पीछे, तो उनके रुके थोड़े, तो उनको रास्ता पता नहीं है, तो जैसे वो आएंगे तो निकल जाएंगे गाइस। तो मिलते हैं आइए आप लोग को, तो बने रहिए गाइस ब्लॉग पे। तो गाइस पहुंच चुके थे अभी द ग्रीन आइलैंड, देख सकते हैं आप अभी, तो दिखाते हैं अभी आपको अंदर से कैसा है द ग्रीन आइलैंड आज। तो दादा ही पहुंच चुका था, तो भाई लोग पहुंच चुके थे अभी। तो गाइस सब उतरते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से नीचे को, तो दिखाते हैं आप लोगों को द ग्रीन आइलैंड कैसा है अंदर। तो आज दिखाएंगे आप लोग हम द ग्रीन आइलैंड, तो अंदर चलते हैं तो दिखाते हैं गाइस आगे मिलिए। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यार अल्टीमेट व्यू है, काफी अच्छा बना रखा है जितने बना रखा है भाई ने। तो अभी जाते नीचे तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है, तो काफी सही बना रखा है यार, अल्टीमेट बना रखा है यार गाइस, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस चलते हैं यार, अल्टीमेट व्यू आ रहा है यार गाइस, चलते हैं नीचे। तो भीड़ भी काफी है यार, वैसा नहीं कि भीड़ भी कम है, भीड़ भी काफी है यार गाइस, काफी भीड़ है यार, तो देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस चलते हैं नीचे, पूरी फैमिली है रखी मेरी, तो हेलो करते एक बार। तो गाइस चलते हैं नीचे, नीचे दिखा दे आप लोग कैसा है। तो देखिए गाइस आगे मिलता हूँ, नीचे मिलते हैं, दिखा दे आपको, भीड़ काफी है लेकिन यार, तो चलते हैं नीचे, तो नीचे दिखाते हैं आपको कैसा है नीचे। तो देख सकते हैं यार गाइस, यार काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया भैया ने यार। तो अभी सनसेट का टाइम है, अभी तो धूप छुपेगी, तो उसके बाद देखे तो यहाँ का जो व्यू भी आया तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा यार गाइस। तो देख सकते हैं यार यहाँ पे यार चारों तरफ ग्रीनरी, और जो भैया ने ये भी बना रखा तो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है भैया ने, यहाँ पर जो टायरों का मिस वेस्ट होता है तो उसको टायर को भैया ने यहाँ पर पेंट लगा के जो बैठने के लिए काफ़ी अच्छा बना रखा भैया ने यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भीड़ है यार। तो गाइस देख सकते हैं यार द ग्रीन आइलैंड, तो आपको क्लोज से दिखा दें नीचे आके कैसा है ग्रीन आइलैंड, तो उसके अंदर भी दिखाएंगे आप लोगों को तो कैसा है अंदर करके। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए साथ में, आगे मिलते हैं आप लोगों को यार। अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छा बना रखा जो भैया ने, जो वाटर का ये जो प्लांट बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा बना रखा भैया ने, और जो ऑनर है वो भी अपने फ्रेंड है,
तो ऑनर से मिलाते हैं आपको। तो गाइस यही ऑनर है जो अपने गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रेम बना रखा है भैया ने, काफी अच्छा फ्रेम बना रखा है हार्ट शेप का। तो काफी लोग आते हैं यहाँ पर जो फोटो खिंचवाने के लिए, तो आप देख सकते हो जो दो हार्ट शेप यहाँ पर फ्रेम है तो इसमें काफी फोटो शूट होते हैं गाइस यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेकअप ट्री भी है गाइस, तो आप लोग मैं दिखाऊँ यहाँ पर एक। और भैया ने जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है उसके लिए यहाँ पर बना भी रखा है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, काफी अच्छा डेकोरेट किया यार। और दिखा तो आपको ये जो ब्रेकअप ट्री है तो गाइस ये तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ भैया ने काफी अच्छा डेकोरेट किया है यार यहाँ। तो आप लोग को दिखाऊँ तो अंदर भी, अभी अंदर आप थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको हम जो ये भी डेकोरेट किया है, तो भैया ने काफी अच्छा कर रखा है यार, दिखाया आपको यार। तो काफी अल्टीमेट बना रखा भैया ने यार। तो भाई तो गाइस नीचे चलते हैं, नीचे दिखाते हैं अभी। उन्नू लोग थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, उन्नू भी लोग उसके बाद चलते गाइस दिखाते हैं थोड़ा मस्ती। तो गाइस देख सकते हैं यार काफी अल्टीमेट काफी सीन बना रखा भैया ने यार। तो गाइस आराम से भैया चुड़ी लिया यार। तो गाइस आपको दिखाऊँ तो काफी अच्छा है यार। तो भाभी लोग तो आप काफी गुन्नू तो आज गुन्नू तो कहीं घूम रहे हैं। हेलो करो गुन्नू क्या बात करो। तो गाइस देख सकते हैं यार हल्लू तो अंदर घुस गया है और अंदर उसके हल्लू फुल मस्ती कर रहा है। देखिए गाइस हल्लू और पियू की मस्ती फुल देख सकते हैं गाइस, हल्लू और पियू फुल मस्ती है, फुल चिल चल रही है इनकी। हर साल रणवीर को पकड़ा है, लड़ाई की ड्यूटी लगी है यहाँ पे, रणवीर को पकड़ लेगी गाइस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ फुल दीदी तो फुल इंजॉय कर रही है भाई, काफी दिनों बाद जानते हैं इलाहाबाद से आई है बंदी। वहाँ गर्मी के टाइम में तो आपको पता है कितनी गर्मी होती है, तो आप जानते हैं यहाँ कैसा लग रहा है बहुत अच्छा। तो गाइस देख सकते हैं यार आप काफी अच्छा बना रखा भैया ने, काफी अच्छा डेकोरेट किया है यार यहाँ पर ग्रीन आइलैंड। तो आपको अभी स्विमिंग पूल भी दिखाता है यहाँ का, जो स्विमिंग पूल बना रखा भैया ने जो बड़े बड़े यूज होता है। तो ये भी टायर वाले भी देख सकते हैं गाइस काफी अच्छा डेकोरेट किया है भैया ने इसको, देख सकते हैं आप। तो टायर को मिस वेस्ट नहीं करके इनको भैया ने पेंट नहीं करके इनको बैठने के लिए जो बना रखा, तो काफी सही है यार। तो गाइस आप लोग अभी मैं स्विमिंग पूल दिखा दूँ, तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए साथ में। तो गाइस यहाँ पर दिखाया तो भैया ने यहाँ पर टॉयलेट भी बना रखे और आपको स्विमिंग पूल दिखाया, तो अभी स्विमिंग पूल में ताला लगा है और लेकिन बट भैया ने काफी अच्छा बना रखा है स्विमिंग पूल यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यार गाइस काफी अच्छा बना रखा है भैया ने यहाँ पर स्विमिंग पूल। तो यहाँ का जो व्यू देखे तो यार अल्टीमेट यार, चारों तरफ से जंगल ही जंगल है यार, चारों तरफ से ग्रीनरी है यार। और आने वाले बर्थडे आ सकते हैं यहाँ पर, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी लोकेशन डाल दूंगा गाइस, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं यार गाइस अभी अल्टीमेट व्यू। तो अभी तो थोड़ा सनसेट होने दो, सनसेट होने का है तो व्यू आएगा ना गाइस, तो उसके बाद दिखाएंगे आप लोग हम व्यू यहाँ का जो व्यू आएगा। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए साथ में, आगे हम दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे गाइस यहाँ का व्यू, तो उसके बाद बने रहिए। तो गाइस देखिए गुन्नू की तरह फुल मस्ती चल रही, गुन्नू पीहू अनु तीनों फुल मस्तियाँ देखिए गाइस, फुल निकले आए हम यहाँ वैसे भी। तो देखिए गाइस फुल मस्ती कर रहे हैं लोग, तो देख सकते हैं आगे तन्नू और पीहू को, दे पीहू और गुन्नू को देखिए गाइस, और ये अनु को देखिए फुल कह रहा हूँ, कई खेल लिया इन्होंने जब से आए तब से सिकंदर है लोग। तो गाइस व्यू देखिए तो यहाँ का काफ़ी अल्टीमेट गाइस अल्टीमेट व्यू है यार यहाँ का। तो देख सकते हैं आप लोग जो एंट्री है यहाँ से होती है, तो जो भैया ने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है यार यहाँ पर, तो आप लोगों को दिखा दो। तो गाइस देखिए ये रखा आपका गाइस द ग्रीन आइलैंड, तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी अल्टीमेट बना रखा भैया ने। तो गाइस जो फ्रेम है यहाँ पर ये हार्ट शेप का फ्रेम गाइस, काफ़ी चर्चा में आया है जो फोटो सेशन के लिए आते बंदे तो यहीं के लिए आते गाइस, देख सकते हैं आप लोग दो यहाँ पर गाइस देखिए भी है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस जैसे जैसे धूप ढलती जा रही है तो गाइस यहाँ ठंडा पड़ती जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हाइट पे है यार गाइस, तो हाइट में होने की वजह से यहाँ पर ठंडा काफ़ी होता होगा गाइस यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो शाम का व्यू, अभी शाम का जैसे शाम ढल जाएगी तो काफ़ी अल्टीमेट व्यू है यार। जो भैया ने यहाँ पर लैंडिंग भी कर रखी है तो काफ़ी अच्छी लैंडिंग कर रखी है यहाँ पर गाइस, तो आप लोगों को बताना देखिए गाइस अल्टीमेट। थोड़ी देर बच्चों ने यहाँ पर अभी कई देर खेले, बच्चों ने यहाँ पर कई देर खेला, तो खेलने के बाद अभी ये फोटो सेशन पर लगे हैं यहाँ पर गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं अभी आप फोटो सेशन पर लगे हैं, तो उसमें फोटो वोटो खींचते कुछ खाते पीते अंदर, तो गाइस क्या निकलते हैं। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए साथ में, तो आगे मिलते हैं आप लोग को। तो गाइस देख सकते हैं जैसे शाम लगती जा रही है, धूप छुप गई, धूप लगभग छुप चुकी है, तो आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर फोटो सेशन के लिए आते गाइस, तो देख सकते हैं आप। तो अभी देखें तो यहाँ पर काफी अच्छा व्यू आ रहा है, जो अंदर का व्यू देखे तो काफी अल्टीमेट है यार गाइस, काफी सही लग रहा है अंदर अभी।
अभी दिखाते हैं मंदिर आगे आप लोग को। तो देख सकते हैं गाइस अल्टीमेट है, आज अंदर का व्यू दिखाते हैं आप लोग, हम दिखाते हैं अभी जो अंदर की लाइटिंग है, देखिए काफी है अल्टीमेट है गाइस, तो देख सकते हैं अभी। तो देख सकते हैं गाइस व्यू अल्टीमेट है, अभी काफी सही सही लग रहा है, जो मैं एक्टिव गेट डाउन किया तो काफी अच्छा एक्टिव किया है गाइस, तो देख सकते हैं अभी लाइटिंग है आप। तो राय दे सकते हैं काफी अल्टीमेट बना के भैया। तो गाइस इन बच्चों ने आइसक्रीम ऑर्डर करी है यहाँ पर, अब हमने कॉफी वॉफी और हक्का नूडल ऑर्डर किया है, तो गाइस के बाद खाते पीते उसके निकलते गाइस। देखिए गाइस अभी लाइटिंग जो भैया ने अंदर अल्टीमेट कर रखी है यार, जो लाइटिंग कर रखी है ना काफी अच्छी लाइटिंग कर रखी गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस आज तो गुन्नू तो काफी आज कई खेला इसने, गुन्नू ने तो आज मजा आया खेलने में। खाना पीना यहाँ पर थोड़ा बहुत, तो निकलते घर की ओर अब, तो लास्ट में आपको दिखाया तो बाहर का काफी अल्टीमेट है गाइस। काफी टाइम हो चुका था अब, तो करीब 7:30 हो गए टाइम, तो घर पे निकलते हैं, तो आप लोग को अभी दिखाते हैं ऊपर से अल्टीमेट व्यू यहाँ का जो आइसलैंड का है, तो आज पूरी फैमिली के साथ आए थे गाइस, तो अभी दिखाता हूँ आप लोग को ऊपर से व्यू, काफी अच्छा व्यू आ रहा है यार वैसे नाइट का, नाइट के टाइम और मौसम दिखेगा वैसे ना गाइस। तो गाइस आपको अभी दिखाते हैं, ऊपर आ चुके थे हम लोग, तो मेन गेट पे पहुंचने वाले हैं देख सकते हैं आप लोग, तो निकलते हैं घर की ओर। तो गाइस प्लीज आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, कमेंट करके बताइए कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस निकलते हैं घर की ओर, दादा लोग आगे आगे चल रहे हैं यार, लेकिन जो डेकोरेट किया है ना बंदे ने यार काफी अच्छा कर रखा है डेकोरेट, इतने दूर में कोई सोच नहीं सकता कि जो कि बंदा ऐसे डेकोरेट करेगा बंदा, देख सकते हैं गाइस इसके साथ। तो गाइस गेट पूछ गेट पे पहुंच चुके थे, तो ये खड़े अपने डेविल और निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से गाइस, तो मिलते हैं आप लोग को अगले ब्लॉग पे। तो गाइस प्लीज आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक कर दो यार भाई। तो गाइस कर दीजिए गाइस, तो देखिए भाई आज पूरी फैमिली आई थी गाइस, तो गाइस आप लोग को ये ब्लॉग काफी अच्छा लगेगा वैसे, तो ये ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइस प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग पे न्यू ब्लॉग पे, तो गाइस बाय, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तो बाय।